देखिए, जो जो फेल लॉन्ग मार्च आ रही है इस दफ़ा पंजाब से, आप देख सकते हैं कि वो एक तो पहले लॉन्ग मार्च नहीं, एक सीरीज ऑफ जलसास है, और क्राउड्स उनके इतने ना मतलब अनसेटिस्फैक्ट्री हैं। 7-7:30 बजे रोज़ खान साहब अपना प्रोग्राम वाइंड अप करके चले जाते हैं। जो जलसे थे, जो उनके खुशगवार प्रोग्राम थे, म्यूज़िक वाले, नाच गाने वाले, वो उन्होंने पंजाब में किए हैं, और तसादम वाले दिन उन्होंने खबर पास से अपने काफिलों को मंगाया है। तो अल्लाह खैर करे, मैं उम्मीद करती हूँ कि उनकी इस दफ़ा झांसे में आवाम नहीं आएगी, और जो उनकी असलियत दिन ब दिन लोगों पर आया होती जा रही है, तो लोग अपने आप को उनके जो अजायम हैं उनसे दूरी रखें। कल जो सानहा हुआ है, जो फीमेल रिपोर्टर की डेथ हुई है, उस पर इंतहाई अफसोस हुआ है, क्योंकि वो जिस तरीके से भाग रही थी, जिस तरीके से वो स्ट्रगल कर रही थी मर्दों के मैदान में, उनकी इस शहादत पर इंतहाई दिल खफा हुआ है। दुआएं हैं कि उनको और उनकी फैमिली को इसका अजर मिले और उनको अल्लाह सब्र। अदालत पे कुर्सी पे, सदालत की कुर्सी पे लात मारता हूँ, जिसके लिए मुझे आपको अहमद खान, ये बताइए कि अभी आपने जिक्र किया कि खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी और बदमनी का अभी जो तालिब, देखिए इस जगह का जो पहला वो आया था, तो उसमें हमने ये बोला था कि बिल्कुल हम अमन की खातिर सब कुछ करने को तैयार, उसी अमन की खातिर जिस अमन के लिए हमने कुर्बानियां दी, हम मजीद कुर्बानी भी देने को तैयार है। और कुर्बानी यकीन कीजिए, कुर्बानी सिर्फ सर की कुर्बानी तो बहुत आसान होती है, दिल की कुर्बानी मुश्किल होती है, और हम दिल की वो कुर्बानी भी देने को तैयार है, लेकिन अगर हमें संजीदगी का पता चले। नंबर दो, उस मितन में ये खास लिखा थी कि कोई भी कदम आइन के बाहर नहीं, आइन के परसद। खान साहब ये बताइएगा कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि आ चुकी है, जो भी सारे आपने अपने तहफुजात से आगाह किया, लेकिन कुछ दिन कबल आपने सलीम साफी के प्रोग्राम में कहा था कि हम इलेक्शन के लिए तैयार है, क्या ये सारे अवामल जो हम उन लोगों में नहीं आते जो बत्तों की वजह से मैदान छोड़ के पहुंचे, हमारा वक्त तैयार है। जी ये न्यूज मैंने ब्रेक किया था कि बत्ते, वो तो आप बत्ते ना बोले, एड बोले, फाइनेंशियल एड है। इमरान खान की हुकूमत में ये मैं सीरियस बात करता हूँ आपको, इस बात पे जरा सोचें। इसको जब पहले सूबाई हुकूमत पकड़ाई गई, इसने बाकायदा जलसों में बोला कि तालिबान को दफातर दो, इनकी हैसियत मानो। इसने बाकायदा उनके इदारों को हुकूमती फंड के नाम पे चंदे दिए हैं, 30 करोड़ रुपए बाकायदा एक मदरसे को दिया गया है। फिर जब वफाकी हुकूमत में आए, इसने पूरे रास्ते उनके लिए साफ किए, पूरे रास्ते। तो मेरे ख्याल में, मैंने जैसे पहले बोला, दिस इज अ जॉइंट वेंचर जिसको एक ही नाम देना चाहिए, TTPTI। बात कर दी कि ये जो हमारा मसला है ये हुकूमतों से बाला, तो जो समझदार है वो समझ गए। आप इंशाल्लाह बाद में देखें, फिर आपको समझ उनमें, और ये जो जहाँ पे तालिबान के बारे से आप बात कर रहे हैं, फर्क है एक के पास डोमिसाइल पंजाब के, दूसरे के पास बेचारे के पास डोमिसाइल पख्तूनख्वा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।